आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही इस वीडियो में आप सभी के साथ एक अपडेट साझा करेंगे। अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दरअसल क्या अपडेट है, एक बार मैं आपको बता दूं। आप थंबनेल देख सकते हैं कि शिक्षा मित्रों के लिए जान कुर्बान पूर्व चीफ जस्टिस वार्ता, यानी कि पूर्व चीफ जस्टिस से वार्ता हुई है, जहां पर कुछ तथ्य निकल कर आए हैं। किस प्रकार के तथ्य निकल कर आए हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने कि किस प्रकार से शिक्षा मित्रों का समायोजन हो सकता है। हालांकि इनके द्वारा समायोजन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हीं के द्वारा आपका जो केस है वो देखा जा रहा था। तो आप सभी की सारी बारीक जानकारियां इनके पास है, तो क्या कुछ कहा है इन्होंने, सारी बातें आगे वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। साथियों अपडेट खुलकर आ चुकी है, आप देख लीजिए कि त्रिभुवन सिंह जी के ऑफिशियल फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया पेज पर आ चुके हैं, जहां पर एक जानकारी इनके द्वारा साझा की गई है। जानकारी क्या दी गई है आप यहां पर देख लें कि मित्रों आज दिल्ली में रहकर तमाम सारे पहलुओं पर सीनियर एडवोकेट से चर्चा हुई, जिसमें कल सुबह रिटायर चीफ जस्टिस A.R. शाह जी से मुलाकात होनी है। एक बात तो तय है, शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होना पूर्ण रूप से राजनैतिक था, न कि संवैधानिक। बहुत से लोग आलोचना करेंगे, ऊट पटांग लिखेंगे, लेकिन यह कटु सत्य है और जिसको साक्ष्य चाहिए वह आगे आए। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि शिक्षा मित्रों के हित के लिए मेरा जीवन मेरा सर्वस्व न्यौछावर है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके लिए आज भी उतने मनोयोग से लगा हुआ हूं। अब इसको इसके बाद इन्होंने कुछ पिक्चर्स साझा की हैं, जहां पर आप देख लें कि कुछ सीनियर एडवोकेट के साथ इन्होंने मुलाकात की है, जहां की आप तस्वीर देख सकते हैं। अभी चीफ जस्टिस महोदय से मुलाकात नहीं हुई थी कल की डेट में, आज सुबह मुलाकात हुई होगी, तो अभी इन्होंने कुछ साझा नहीं किया है। जैसे ही इनके द्वारा कोई अपडेट निकल कर आती है, आप सभी को सबसे पहले सूचित किया जाएगा कि क्या कुछ साक्ष्य वहां पर मिले हैं, क्या सारी चर्चाएं हुई हैं, ये सारी बातें आगे आप सभी के साथ साझा की जाएंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर बने रहें और ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।